सेफी स्मार्ट एलवी टैबलेट, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। कब डॉक्टर आपको इसे प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या डोज होता है, कितना दिन तक आपको इसे लेना चाहिए, कैसे बेनिफिट मिलता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। सेफी स्मार्ट टैबलेट के एलवी टैबलेट के बारे में जानते हैं। तो इसे स्मार्ट लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 10 टैबलेट का कॉस्ट 107 रुपया है। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वह लैक्टोबैसिलस 60 मिलियन स्पोर्स है और सेफेक्जिम 200 mg है। तो बात करते हैं इसे कब दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। तो जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है तब इसे दिया जाता है। जैसे नाक कान गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, या टाइफाइड फीवर हुआ है आपको, या जैसे कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है जिसमें आपको जैसे कि निमोनिया हुआ है, खांसी आ रहा है, या सर्दी जुकाम है, या जैसे कि आपको बुखार आ रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। लेकिन अब बात करते हैं इसके अंदर जो दूसरा मॉलिक्यूल किस वर्क में आता है। तो जब आप कोई दूसरा एंटीबायोटिक लेते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस नहीं रहता है तो क्या होता है कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्लोरा रहता है आपके अंदर जो खाना पचाने में हेल्प करता है उसमें डैमेज होने को मिल जाता है, यानी कि वह उसका जो फ्लोरा रहता है वह डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको डायरिया डिसेंट्री फील करने लगते हैं। तो जब आप इसे लेते हैं तो ये फ्लोरा को मेंटेन बनाए रखता है और आपको जो डायरिया डिसेंट्री हुई रहती है उससे कम हो जाती है, और जैसे कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ वो भी ठीक हो जाता है आपको, और जैसे कि कभी आपको लूज मोशन वगैरह हो रहा था तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी आपको हेल्प दिलाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करके। जैसे कि आपके साइनस थ्रोट या नाक कान गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या ट्रांसमिटेड डिसीज है तो वो भी बहुत जल्दी ठीक होती है इससे। इसका जो डोज रहता है वो 2x डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। इसे खाना खाने के पहले या बाद में भी ले सकते हैं। अगर आप खाना खाने के 1 घंटा बाद लेते हैं तो बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है और आपको कमजोरी फील नहीं होती है और आपको उल्टी नहीं आती है। अगर आप इसे ले रहे हैं तो सिंगल डोज फॉलो करें अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहे हैं। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसे चबाना नहीं, क्रश नहीं करना, डायरेक्ट पानी के साथ में निकलना है। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाया गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जिम चला सकता है, पेट में गैसेस हो सकते हैं, अपचन फील कर सकते हैं, भूख कम लग सकती है आपको। तो अगर वीडियो चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि यार डॉक्टर ने आपको किस तरह की समस्या में आपको इसे प्रेस्क्राइब किया है और जैसे आप इसे ले रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको मिले हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसे कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने आपको अपडेटेड रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डाउट है डायरेक्ट वीडियो के लिए पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।